हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रीजनिंग वाटर इमेज। उससे पहले मैंने पहली वीडियो, अगर आपने नहीं देखी तो उसको देखें, उसमें मैंने कराया था मिरर इमेज। मिरर इमेज क्या था? अगर कोई भी चीज़ रख रखी है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है और उसके वर्टिकली में कोई मिरर रख रखा है तो उसकी इमेज कैसी आएगी वो हम बात कर रहे थे। जैसे ये दे रखा है एरो मेरे पास, तो इसकी इमेज कैसी आएगी ऐसी। तो क्या हो रहा था, लेफ़्ट में जो था वो राइट बन रहा था और जो राइट में था वो लेफ़्ट बन रहा था, ठीक है। अब आई वाटर इमेज की बात। वाटर इमेज में क्या होगा, अगर या तो वाटर इमेज में जैसे हमारे पास कोई पानी है, नदी है, ठीक है, तालाब है, ठीक है, उसमें इमेज देखें, या फिर क्या करें, जो ये हमारे पास मिरर था इसको हम हॉरिजेंटल रख दें, ठीक है। इस मिरर को मैंने क्या रख दिया, हॉरिजेंटल। तो अब मेरे पास क्या हो गया, ए थी, इसकी इमेज कैसे आई ऐसे। तो क्या हो गया, जो टॉप था वो क्या बन गया, बॉटम, और जो बॉटम था वो क्या बन गया, टॉप, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या आएगा, टॉप एंड बॉटम चेंज, लेफ्ट राइट नो चेंज, यानी कि लेफ्ट में जो चीज़ है वो लेफ्ट में ही रहेगी और जो राइट में थी वो राइट में ही रहेगी। जैसे मैं इस एरो की बात करूं, ठीक है, इसकी वाटर इमेज निकालें तो जो ये इस साइड राइट में है वो राइट में ही आएगा, ठीक है, मगर जो टॉप में था ऊपर की साइड नोक थी, अब नीचे की साइड हो गई। जो टॉप में था वो बॉटम, जो बॉटम था वो टॉप। इसमें सिर्फ यही कॉन्सेप्ट चलेगा हमारा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब जैसे मिरर इमेज में मैंने आपको कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और डिजिट्स के बारे में बताया था, कैसे कैसे वो चेंज होंगे, जो नो जिनमें नहीं चेंज होगा सिर्फ वही मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, बाकी अपने आप अज्यूम कर लेना जो जी। अब देखते हैं कैपिटल लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, हमारे पास टोटल लेटर्स होते हैं या कैपिटल 26, उसमें से 11 ऐसे थे जो वाटर इमेज में अनचेंज हो रहे थे, मगर वाटर इमेज में क्या होंगे, वो होंगे सिर्फ 9, ठीक है, सिर्फ 9 ऐसे होंगे जो अनचेंज रहेंगे। सबसे पहले कौन सा है, बी। बी की अगर मैं वाटर इमेज निकालूं तो बी ही आएगी, ठीक है। ऐसे ही क्या है, सी। सी की अगर मैं मिरर इमेज वाटर इमेज निकालूं तो सी ही आएगी। ऐसे ही डी है, फिर ई है, फिर क्या है, एच, आई। कितने हो गए हमारे पास, 6। 6 के बाद आया मेरे पास ओ है, एक्स, और एक है मेरे पास के, ठीक है। के की भी मिरर इमेज चेंज हो रही थी मगर वाटर इमेज एज इट इज़ रहेगी। आई की भी एज इट इज़, एच की भी एज इट इज़, और ई की भी एज इट इज़ रहेगी, और डी भी एज इट इज़ रहेगा अनचेंज। ऐसे ही एक्स और ओ, ये वो लेटर्स हैं कैपिटल लेटर्स जिनकी वाटर इमेज चेंज नहीं होगी। कैपिटल लेटर्स के बाद करेंगे अब हम स्मॉल लेटर्स विच आर, हमारे पास स्मॉल लेटर्स विच आर अनचेंज। स्मॉल लेटर्स भी टोटल हमारे पास 26 होते हैं, मगर मिरर इमेज में कितने थे, 6। वाटर इमेज में कितने रहेंगे अनचेंज, 3। एक तो सी, एक ओ, और ए एक है एक्स। तो यहाँ पे सी क्या आ गया, अनचेंज, ऐसी की ऐसी इमेज, ऐसे ही ओ की भी एज इट इज़, ऐसे ही एक्स की भी। और देखो जैसे मिरर में मैंने बताया था, मिरर इमेज में मिरर ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, तो ये भी हमारे पास नीचे भी हो सकता है और ऊपर की साइड भी इमेज देख सकता है। ऐसे हो दे दिया और ऊपर की साइड इमेज चाहिए तो यही आ जाएगी, ठीक है भाई। अब इसमें ऐसे मिरर रख के होनी चाहिए क्या, वाटर इमेज, और वो बोल दे यहाँ पे मिरर इमेज, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया एस आई जी एन, इसको मिरर को रख के दिखाएगा वो यहाँ पे और बोलेगा निकालो मिरर इमेज। तो मिरर इमेज निकालने की बजाय यहाँ पे हम वाटर इमेज निकाल के, जो वाटर इमेज आएगी वही हमारे पास हॉरिजेंटल मिरर के लिए मिरर इमेज होगी। जो हमारे पास यहाँ पे ये क्या रखा गया, हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल में क्या निकलती है, वाटर इमेज, मगर उसने पूछी है हॉरिजेंटल रखने पे मिरर को क्या इमेज आएगी, वही आएगी सेम, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, ये Z, सॉरी ये आएगा, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास N,
ठीक है, ऐसी कुछ आएगी, तो उसको क्या बोल देंगे हम, मिरर इमेज फॉर हॉरिजेंटल मिरर, या तो वाटर इमेज बोल दें या मिरर इमेज फॉर हॉरिजेंटल मिरर, सेम बात। अब लास्ट पॉइंट जो बचता है मेरे पास वो है डिजिट्स के लिए। टोटल डिजिट्स जो मेरे पास होती हैं वो होती हैं मेरे पास 10, कौन से 0 to 9, ठीक है। मैथमेटिक्स में इनको बोलते हैं डिजिट। यहाँ पे जो अनचेंज रहेंगी वो वही दो रहेंगी जो मिरर इमेज में थी, कौन कौन सी, एक तो 0 और एक कौन सी है 8। तो इसकी मिरर इमेज यही, वाटर इमेज यही आ जाएगी, और इसकी भी वाटर इमेज यही आ जाएगी, बाकी सभी चेंज होंगी। जैसे यहाँ पे मैं 1 बना दूँ तो इसकी वाटर इमेज आएगी ये, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 बना दिया तो इसकी वाटर इमेज आएगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने अगर 4 बना दिया तो इसकी वाटर इमेज आएगी, ठीक है। ये सभी हमको दिए होंगे। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, दो तीन एग्जांपल करेंगे, उसी में समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। बाकी हम यहाँ पर वीडियो को फिनिश करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसके बाद वो होगी पेपर ये मैं कुछ फोल्डिंग के ऊपर। एग्जांपल्स ले रहा हूँ जिनको हम स्पेसिफिक सोल्व करके देखेंगे, क्या क्या मेरे वॉटर इमेज आ रही हैं, और वही वैसे ही कॉन्सेप्ट सभी जितने भी वॉटर इमेज पूछे उन सब में लगेगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, सर्कल है तो सबसे पहले सर्कल तो सर्कल ही आएगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखो इसमें क्या है, एस शेप है, तो ये एस शेप कैसी आ जाएगी, उल्टी वाली आ जाएगी मेरे पास ऐसी, ठीक है। और फिर जो ये डैश आ रहे हैं ये नीचे की साइड है, तो इसमें आ जाएगा ऊपर की साइड, ठीक है। बस यही है हमारे पास वॉटर इमेज का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही इसमें देखें तो 9 की इमेज क्या आएगी, ये मेरे पास 9 आ गया। एच की एज इट इज रहती है, 8 की भी एज इट इज रहती है, और ये आ जाएगी ए की। आई की क्या रहेगी, ये मेरे पास आई की इमेज, 8 की एज इट इज, बी की भी एज इट इज रहती है, और ये आ गई मेरे पास 7 की वोटर इमेज। ऐसे किसी की भी पूछ सकता है, अगर मेरा नाम लें, जैसे कि मेरे नाम की निकालें KAPIL, इसकी अगर वो वोटर इमेज पूछ रहा है तो K की एज इट इज, A की उल्टा इसका, ऐसे ही P की उल्टा, I की एज इट इज, L यहाँ पे, ठीक है भाई, कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स को बढ़ाएं ताकि हम और अच्छे से अपने चैनल को ग्रो कर सकें। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।